कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है और कहा कि खट्टर और दुष्यंत सरकार किसानों को बदनाम करने के लिए साजिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने किसानों को सरकार के षड्यंत्र में न उलझने की नसीहत दी है और साथ ही कहा कि वो सरकार की साजिश में आकर कोई गलती न करे, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, साथी हूँ। इस नाते आपके माध्यम से मेरे किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, जोश के साथ साथ होश मत खोइए। खट्टर सरकार दुष्यंत चौटाला आपको बदनाम करने के लिए साजिश कर रही है। किसान भाइयों मेरी बात याद रखिएगा, हे भोले किसान, हे भोले मजदूर, अपने आप को पहचान ले। खट्टर और दुष्यंत चौटाला दुश्मन है आपके और ये आपको बहकाने के लिए, भड़काने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, बदनाम करने के लिए साजिश कर रहे हैं और इनकी ये साजिश हारेगी। पर आपको भी होश में रहना, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे ये आपको बदनाम कर सकें। आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, पर भोले हैं और उस भोलेपन का ये फायदा ना उठा ले। इनके षड्यंत्र में उलझ मत जाना, आप ये लड़ाई जीतने वाले हो। मैं दूसरी बात और आज कह के जाता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ। मैं पत्रा देखना तो नहीं जानता, पर भविष्यवाणी करके जाता हूँ कि किसान आंदोलन ये लड़ाई जीतने वाला है। ये लड़ाई जीतने की कगार के ऊपर खड़े हैं आप। ये आपसे गलती करवाने की कोशिश करेंगे, आप करना मत। इसीलिए मैं जितने कड़े शब्दों में निंदा हो जाए किसानों पर, गोली, लाठी, अश्रु गैस की, वो करता हूं। खट्टर सरकार को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वहीं उन्होंने हिसार लाठी चार्ज की निंदा करते हुए खट्टर सरकार को आड़े हाथों लिया और सवाल किया कि क्या लॉकडाउन बीजेपी जेजेपी पर लागू नहीं है। हरियाणा के किसानों, हरियाणा के गरीबों और छोटे छोटे दुकानदारों पर कल हिसार के अंदर गोली चलाई, आंसू गैस चलाया, उन्हें लाठियों से पिटाया और पूरे हिसार की धरती के अंदर हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग उनके सर फोड़ रखे थे। आपने वो चित्र दिखाए। क्या कोई शासक सत्ता के अहंकार में इतना ज्यादा मदमस्त हो सकता है? आप मुझे बताएं, अगर किसी की अंत्येष्टि हो तो 11 आदमी की आपने प्रतिबंध लगाया हुआ, अगर किसी के ब्याह हो तो भी आपने 11 पे लगा रखा, तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कितने लोग थे साहब? लगभग 1000 आदमी था। तो लॉकडाउन क्या हरियाणा की खट्टर सरकार या बीजेपी और जजपा पे लागू नहीं है? भाई 20-50 आदमी तक हो जाए, चलो मुख्यमंत्री आते हम भी समझ सकते, 50 आदमी तक हो जाए, 11 के 50 भी हो जाए, 1000 आदमी था वो, खुद डिप्टी कमिश्नर ने ये माना। तो 1000 आदमी मुख्यमंत्री इकट्ठे करते हैं और किसानों को लाठियों से पिटवाते हैं और किसानों पे इल्जाम लगाते हैं कि ये फैला रहे। और यही नहीं, एक बात और बताइए, क्या किसानों को लाठियों से पिटवाना, उन्हें भड़काना, उन्हें उत्तेजित करना सही है मुख्यमंत्री का? क्या ये सारा उद्घाटन टेलीविजन से नहीं हो सकता था, जूम कॉल के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर? तो आने की क्या जरूरत थी 1000 आदमी इकट्ठे करने की? बता दी कि रणदीप सुरजेवाला आज बरवाला पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अस्पताल में कोविड सामग्री वितरित की, जहां उन्होंने गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग इतने निर्दयी भी हो सकते हैं। हरियाणा के किसानों पर हिसार के अंदर आंसू गैस के गोले दागे, माताओं बहनों के ऊपर लाठियां भांजी गई। क्या कोई शासक सत्ता के अहंकार में इतना ज्यादा मदमस्त हो सकता है? बरवाला से कपिल मेहता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।